हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा स्कैल्प की ब्लड सप्लाई के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे स्कैल्प की आर्टेरियल सप्लाई, देन हम पढ़ेंगे इसका वीनस ड्रेनेज। तो स्टार्ट करते हैं आर्टेरियल सप्लाई ऑफ स्कैल्प से। ऑन ईच साइड ऑफ मिडलाइन इट इज सप्लाइड बाय 5 आर्टरीज। तो देखिए, अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये है हमारा स्कैल्प। स्कैल्प को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ऑन द ईच साइड, ऑन एक हाफ में हमारी जो स्कैल्प होता है वो 5 आर्टरी से सप्लाई होता है। 3 इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल, देखिए ऑरिकल है, 1 2 3 3 इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल एंड 2 बिहाइंड द ऑरिकल। अब इनके नाम देख लेते हैं। पहले जो हमारे तीन इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल होते हैं वो है सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, और 2 बिहाइंड द ऑरिकल जो होती है वो है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी। तो ये है हमारी सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल, देखिए यहाँ पे है ऑर्बिट तो इसका नाम है सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, यहाँ पे है टेम्पोरल बोन तो इसका नाम है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये है ये वाली आर्टरी ऑरिकल के पीछे है इस वजह से इसका नाम है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, और ये वाली आर्टरी ऑक्सीपिटल बोन के अराउंड है तो इसका नाम है ऑक्सीपिटल आर्टरी। अब आपको ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। देखिए, जो हमारी एक साइड की आर्टरीज होती हैं वो आपस में एनास्टमोस करती हैं, और एक साइड की आर्टरी दूसरे साइड की आर्टरीज से भी एनास्टमोस करती हैं, तो इसमें क्रॉस एनास्टमोसिस हो रहा है और एक साइड की आर्टरीज के बीच में भी एनास्टमोसिस हो रहा है। आर्टरीज ऑफ वन साइड फ्रीली एनास्टमोस विद वन अनदर, देयर इज ऑल्सो क्रॉस एनास्टमोसिस बिटवीन द आर्टरीज ऑफ टू साइड्स। अब देखिए आपको क्या याद रखना है, जो हमारी सुप्रा ट्रोक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी होती है वो किसकी ब्रांच होती है, हमारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी की, और ऑप्थेल्मिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। बाकी जो बची 3 आर्टरीज वो किसकी ब्रांच होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब ये सारी आर्टरीज आपस में एनास्टमोस कर रही है, दस स्कैल्प इज साइट ऑफ पोटेंशियल कोलेटरल सर्कुलेशन बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो दोस्तों, आपको आर्टेरियल सप्लाई ऑफ स्कैल्प में इतना ही पढ़ना है और आपको ये वाला डायग्राम याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीनस ड्रेनेज ऑफ स्कैल्प के बारे में। तो अगर हम वीनस ड्रेनेज ऑफ स्कैल्प के बारे में बात करें तो बिल्कुल ये आर्टेरियल सप्लाई ऑफ स्कैल्प के जैसा होता है। ऑन ईच साइड ऑफ मिडलाइन इट इज ड्रेन्ड बाय 5 वेन्स एंड वेन्स ऑफ स्कैल्प अकंपनी आर्टरीज। तो वेन्स के नाम क्या है हमारे, सुप्रा ट्रोक्लियर वेन, सुप्रा ऑर्बिटल वेन, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन एंड ऑक्सीपिटल वेन। देखिए, अब आपको वेनस ड्रेनेज ऑफ स्कैल्प में एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, ये आपको इसका ड्रेनेज पढ़ना है, कहाँ से कहाँ वेन में जा रही है। तो देखिए, डायग्रामेटिकली देखेंगे बहुत ईजी है। ये फर्स्ट है हमारी सुप्रा ट्रोक्लियर वेन, फर्स्ट नंबर पे हमारी सुप्रा ट्रोक्लियर वेन, और सेकंड नंबर पे आई हमारी सुप्रा ऑर्बिटल वेन। सुप्रा ट्रोक्लियर वेन और सुप्रा ऑर्बिटल वेन मिलके बनाती है हमारी एंगुलर वेन। तो देखिए, जो ब्लैक में है थर्ड नंबर पे डिनोट करिए, ये है हमारी एंगुलर वेन। नेक्स्ट, एंगुलर वेन कंटिन्यू होके बनाती है हमारी फेशियल वेन। तो ये जो पिंक से है फोर्थ नंबर डिनोट कर रखा है जो मैंने, ये है हमारी फेशियल वेन। अब फिफ्थ नंबर के देखते हैं, फिफ्थ नंबर पे ये है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। तो देखिए, ये हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, और सिक्स नंबर पे है मैक्सिलरी वेन। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन कंबाइन होके बनाती है हमारी रेट्रोमेंडिबुलर वेन। देखिए, यहाँ पे हमारी मैक्सिला है और यहाँ पे हमारी मैंडिबल बोन है, तो ये है हमारी मैक्सिलरी वेन और ये हमारी रेट्रोमेंडिबुलर वेन। अब रेट्रोमेंडिबुलर वेन क्या करती है, एंटीरियर डिवीजन देती है और पोस्टीरियर डिवीजन देती है। तो एट नंबर पे हमारा एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमेंडिबुलर वेन और नाइन्थ नंबर पे हमारा पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमेंडिबुलर वेन। अब जो हमारा एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमेंडिबुलर वेन है, जो मैंने ऑरेंज से दिखा रखा है, वो फेशियल वेन के साथ कंबाइन होता है और बना लेता है हमारा कॉमन फेशियल वेन। तो ये टेंथ नंबर की क्या है, कॉमन फेशियल वेन। कॉमन फेशियल वेन देन कहाँ ड्रेन कर जाती है, हमारी इंटरनल जुगलर वेन में ड्रेन कर जाती है। अब एक होती है हमारी स्कैल्प की पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन हमारी पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमेंडिबुलर वेन के साथ कंबाइन होती है और बना लेती है हमारी एक्सटर्नल जुगलर वेन। और ये एक्सटर्नल जुगलर वेन कहाँ जाके ड्रेन हो जाती है, हमारी सब क्लेवियन वेन में ड्रेन हो जाती है। और ये है हमारी स्कैल्प की ऑक्सीपिटल वेन, जो कहाँ ड्रेन कर रही है,
ऑक्सीपिटल प्लेक्सस में। दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी है, मतलब आपको समझना है, ये चीज़ आपको आराम से याद हो जाएगी अगर आप एक इमेजिन करके याद करेंगे, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे अपने मन में तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा। वीनस ड्रेनेज में आपको इतना ही पढ़ना है। तो हमारी ब्लड सप्लाई ऑफ स्कैल्प के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी वो कम्प्लीट हो चुकी है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको एग्ज़ाम में टाइम है, काफ़ी आपके पास टाइम है, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है और वीनस ड्रेनेज में ये वाला डायग्राम बनाना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको ये दो डायग्राम बनाना है। देखिए ये है हमारा आर्टेरियल सप्लाई ऑफ स्कैल्प का इजी डायग्राम, इसमें पांच आर्टरीज बस दिखानी है, सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी और ऑक्सीपिटल आर्टरी। तो ये इजी डायग्राम है और ये आप वीनस ड्रेनेज भी इजीली समझा सकते हो, फेस वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास टाइम कम है। देखिए ये है सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, ये दोनों कंबाइन होगी और हमारी बना लेगी एंगुलर वेन, सॉरी सुप्रा ऑर्बिटल वेन और सुप्रा ट्रोक्लियर वेन कंबाइन होकर बना लेंगी एंगुलर वेन, एंगुलर वेन कंटिन्यू होकर बनाती है हमारी फेशियल वेन, देन हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन कंबाइन होकर बनाती है रेट्रोमेंडिबुलर वेन। रेट्रोमेंडिबुलर वेन के एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन है, एंटीरियर डिवीजन हमारा फेशियल वेन के साथ कंबाइन होकर कॉमन फेशियल वेन बनाता है जो हमारा ड्रेन कर जाता है इंटरनल जुगलर वेन में। देन जो हमारा पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन होती है वो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमेंडिबुलर वेन के साथ कंबाइन होती है और बनाती है हमारी एक्सटर्नल जुगलर वेन। देन एक्सटर्नल जुगलर वेन हमारी कहाँ ड्रेन हो जाती है, सब क्लेवियन वेन में। सो दोस्तों अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो लिंक है उसमें, फेसबुक से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।